बात करेंगे तो पहले क्वेश्चन रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में दो प्ले आने ही आने हैं, और क्वेश्चन नंबर टू में भी जो है स्टोरी के साथ प्ले ने आना ही आना है। यानी कि चार प्ले करने के बाद तीन प्ले आपके पेपर में आ रहे थे, और वो बच्चे जिन्होंने प्ले नहीं किए, इग्नोर किया, उनके लिए प्रॉब्लम हुए। हमारे बच्चे कह रहे थे कि सर हम हाथ में जब बैठे हुए थे तो हम जो है ना बहुत खुशी से पेपर को अटेम्प्ट कर रहे थे, जबकि दूसरे बच्चे आधे आधे घंटे के बाद जो है वो एग्जामिनेशन को छोड़ के जा रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है। देखें मैं ज़रा पेपर को भी टच करता हूँ जो हमने बताया था, और अगर आप हमारी वीडियो देखें जो हमने तलीम पॉइंट पे दी थी, हमने बच्चों को पेपर पैटर्न के बारे में भी सारा कुछ बताया था कि किस तरह आप दो दिन में भी तैयारी कर सकते हैं। देखें हमने अपने बच्चों को कहा था कि क्वेश्चन नंबर वन जो रेफरेंस टू कंटेस्ट क्या है उसमें तीन पोइम के पहले जो स्टैंड होंगे तीन पोइम के होंगे और दो प्ले के होंगे। अब हमने ये भी कहा था कि अगर पहले क्वेश्चन में रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में अगर शुरू की 10 पोइमों में से दो पोइमें आपको आती हैं तो फिर आपने दो स्टैंजे पोइम के करने, एक प्ले का करना है। अगर फर्ज किया कि अगर आपको दो पोइम नहीं आती, सिर्फ पहली 10 में से एक आती है, बाकी एंड में से आती हैं, और चूंकि वो बच्चे जिन्होंने चंद दिनों में तैयारी की थी वो सारी पोइम नहीं कर सकते थे, तो उनके लिए वो पेपर जो है नामुमकिन बनना था उस पेपर को अटैम्प्ट करना, तो उनके लिए बेनिफिट जो बेनिफिशियल चीज चाह रही थी वो द प्ले। अब देखें हमने कहा था कि डी और ई जूस जो होता है वो प्ले का होता है। अब यहां पर जो है जो डी जूस है, इस डी में जो पहला प्ले आया है ये बियर का आया है, और उसके बाद दूसरा जो लूसी वाला आया है स्मोक स्क्रीन का आया है। और हमने कहा था कि बियर और बॉय कम होम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें अगर आपको पॉइंट जो आई है इसमें देखें 43 पोइम आई है, और हमने अपने चैनल में भी ये पोइम दी थी, और हमने कहा था शुरू की पोइम में लाजमी आएगा, ये पहली पोइम 43 आ गई है। उसके बाद इसमें जो बी जूस आया है पेपर में वो आया है ऑल्दो द पाथ बी टॉर्चरस एंड स्लो, ऑल्दो इट ब्रिसल विद 1000 फियर्स टू होपफुल आई, ये आया है डिपार्चर एट अराइवल। ये जो स्टैंजा आया है ये डिपार्चर अराइवल का भी हम बार बार बच्चों को कह रहे थे, तो ये डिपार्चर अराइवल में आया है। और उसके बाद जो सी का जूस है से डेंस विलेज फॉर अराउंड यू स्पेन, ये आया है, ये वैनिशिंग विलेज आया है। अब वो बच्चे जिनको सिर्फ और सिर्फ पहली पोइम जिस तरह की इसमें आई है पहली पोइम आती थी वो पहली लैयत कटारी तो उन्होंने कर ली, अब मसला क्या आया है, अब इसमें प्ले ही स्पोर्ट करते थे और जो के जिसकी वजह से आपका पहला क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट होता था, अब यहाँ पर प्ले जो स्पोर्ट कर गए। हमने इसलिए कहा था किसी भी हाल में अपने प्ले को ड्रॉप नहीं होने देना। अब देखें डी जूस में आ गया है द बियर आ गया, और ई जूस में आ गया है स्मोक क्रीम, तो दो प्ले ये हो गए, एक आपकी पोइम हो गई, आपका पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर टू में आ जाएं। अब क्वेश्चन नंबर टू में हमने कहा था कि हमारे नोट्स में जो स्टोरीज हैं, और स्टोरी में जो है हमने डची जैन द ज्वेलर और डची जैन ज्वेलर के साथ टेल हार्ट के बारे में मतलब इतनी तवज्जो नहीं दी थी, मगर हमने शॉर्ट वीडियो बना ली थी, और हमने टेक पिटी को भी कहा था कि ये भी आपने लाजमी करनी है। और देखें स्टोरी टेक पिटी आ गई है हमारे नोट्स में, जब पहली हमने कहा था जो नोट्स में स्टोरी है उनमें से एक लाजमी आती है, और टेक पिटी स्टोरी आ गई है। और उसके बाद प्ले कौन सा आया द बॉय कम्स होम, तो यहाँ पर भी प्ले आपको सपोर्ट कर गया, टेक पिटी स्टोरी हो गई और द बॉय कम्स होम, इसका मतलब क्वेश्चन टू भी जो है आपका कंट्रोल दे गया और आपका पूरी तरह कंट्रोल में आया क्वेश्चन नंबर टू। और इसके बाद जो स्टोरी आई थी शेडो इन द रोज, वो चूंकि 10 दिन के बाद थी तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, बाद में भी आए, चूंकि हमने कहा था हमारे नोट्स में से एक स्टोरी पक्की होती है, एक जो कि वो आ गई और साथ प्ले का क्वेश्चन आ गया, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर टू भी मुकम्मल हुआ। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री में हमने कहा था कि तीन पॉइंट आती हैं, दो पॉइंट के क्वेश्चन करने होते हैं, और देखें क्वेश्चन नंबर थ्री में कौन सी आई है, वुमेन वर्क, वुमेन वर्क ये भी शुरू में से आई है वुमेन वर्क, और उसके बाद वुमेन वर्क के साथ ही इसमें देखें ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज की मैंने वीडियो भी बना दी थी बच्चों को, अगर आप देखें मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना दी थी, मैंने कहा था कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज को भी आप करें, और दो
ये तीसरी आई है आफ्टर एप्पल पिकिंग। अब आफ्टर एप्पल पिकिंग को ड्रॉप कर दें, आपकी दो पॉइंट जो है आल द वर्ल्ड इज अ स्टेज की मैंने वीडियो बना ली थी बड़ी इजी वर्डिंग में, वो भी आ गई है, और उसके बाद वुमेन आपका क्वेश्चन नंबर थ्री भी मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद डायलॉग चौथा, मैंने कहा था चौथा जो क्वेश्चन करना है वो आपने डायलॉग का करना है, और अगर आप डायलॉग की तरफ आए तो डायलॉग में देखें राइट अ डायलॉग बिटवीन टू पर्सन डिस्कसिंग द काजेज ऑफ द पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, यानी मुल्क की कमजोर माशी हाल पर, और ये नेगेटिव जो है टॉपिक था और ये पूरा पूरा फिट हो रहा था जैसे कि हमारे वो जो हमारा क्वेश्चन है उसका डायलॉग का। तो तब्दीली कहाँ से आती है, उसमें कहा था कि व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हैं, तो इसमें जो भी मैंने कहा टॉपिक में आई एम थिंकिंग ऑफ टॉपिक क्या है, ये आई एम थिंकिंग ऑफ द पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। उसके बाद ये है इसकी वजह भी जो थी, वजह की वजह में आप इसकी करप्शन दे सकते हैं, रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट भी दे सकते हैं, तो बाकी सारे का सारा वही, और आपका इस तरह डायलॉग भी मुकम्मल हुआ और प्रेसी भी कोई इसमें मुश्किल नहीं आई।